कनाडा की पीआर को लेकर स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं कि कनाडा इस समय पीआर दे रहा है या नहीं दे रहा, या आने वाले समय में स्टूडेंट्स को पीआर मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो कितने स्टूडेंट्स को मिलेगी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा की पीआर के बारे में। अगर आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा की पीआर के लिए जा रहे हो तो आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, कैसे आप पीआर ले सकते हैं, कौन से पीएनपी प्रोग्राम में किस प्रोविंस में आपको जाना चाहिए, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स की तरफ से आता है कि कौन सा ऐसा प्रोविंस है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की पीआर के लिए सबसे बढ़िया है। आज इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जहाँ पर आपको ऐसी ही अपडेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं, जिसमें बहुत सारे जो आपके डाउट्स हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं, वो क्लियर होते हैं, आपको प्रॉपर एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा के बारे में। कनाडा में जो पीआर का सिस्टम है वो आज भी, बहुत सारी नेगेटिव वीडियोस आपने यूट्यूब पे देखी होंगी, पीआर बंद हो चुकी है, ऐसा हो चुका है, मगर अगर आज भी आप किसी भी कंट्री के साथ कनाडा की पीआर के सिस्टम को कंपेयर करते हैं तो कनाडा आज भी सबसे इजी पीआर लेने वाला सबसे पहला कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। अगर आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी भी कंट्री में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा ऑप्शंस जो आपको मिलती हैं वो कनाडा में मिलती हैं। बहुत सारे पाथवे प्रोग्राम हैं, बहुत सारे पीएनपी प्रोग्राम हैं, जिसके बेस पे एक इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर थोड़ा सा भी प्लान कर चलता है तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको आप ग्रैब कर जल्दी पीआर ले सकते हैं, मगर प्लानिंग के साथ होगा सब कुछ, विदाउट प्लानिंग नहीं होगा। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ छः ऐसे प्रोविंस जो मेन प्रोविंस हैं कनाडा के, बड़े प्रोविंस हैं, जहां पर आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर जाते हो, स्टडी कंप्लीट करते हो और उसके बाद आप कैसे पीआर ले सकते हो, कौन से वहां पर पीएनपी के इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जो प्रोग्राम अवेलेबल हैं। सबसे पहले बात करेंगे ओंटारियो प्रोविंस के बारे में, जो कनाडा का सबसे बड़ा प्रोविंस है, जहाँ पर पूरे कनाडा में जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं 50% सिर्फ ओंटारियो में आते हैं। अगर हम स्टूडेंट की जो कैपिंग की गई थी उसकी बात करें, उसमें भी सबसे बड़ा जो टारगेट दिया गया था स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने के लिए वो ओंटारियो के पास था, मगर ओंटारियो के लिए ये चीज़ बहुत पहले से कही जाती है कि अगर आप ओंटारियो में एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं तो वहाँ पर रहते हुए आपको पीआर लेना बहुत मुश्किल है। पीआर के लिए आपको किसी अनदर प्रोविंस में जाना पड़ता है, जिसके लिए ओंटारियो का बहुत अच्छा अच्छा टैलेंट दूसरे प्रोविंस में जाकर सेटल हो जाता है, वहाँ पर जाकर पीआर ले लेता है। इसीलिए ओंटारियो की गवर्नमेंट ने इस समय 3 ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए हैं। सबसे पहला है इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम। इस प्रोग्राम में वो सारे स्टूडेंट आएंगे जिन्होंने ओंटारियो में ग्रेजुएशन कम्प्लीट की है, जिनके पास जॉब ऑफर लेटर है, तो आप इस स्ट्रीम के साथ अपनी फाइल पीआर के लिए लगा सकते हैं। सेकंड जो प्रोग्राम है वो मास्टर्स के लिए है, जो मास्टर्स ग्रेजुएट स्ट्रीम है, इसमें अगर आपने मास्टर कंप्लीट की है ओंटारियो में तो फिर आपके पास जॉब ऑफर लेटर है या नहीं है तो भी आप अपनी फाइल पीआर के साथ लगा सकते हैं। थर्ड जो इसमें आ जाता है वो पीएचडी ग्रेजुएट स्ट्रीम है। पीएचडी ग्रेजुएट स्ट्रीम उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पीएचडी कंप्लीट किया, उनके पास जॉब ऑफर लेटर नहीं है तो भी वो पीआर के लिए अपनी फाइल लगा सकते हैं ओंटारियो में। और इसके बाद एक स्पेशल प्रोग्राम जो पहले से चलता है रूरल का, RINP हम इसको बोलते हैं, कुछ एरियाज़ हैं, 5 ऐसे सिटी हैं जहां पर अगर आप अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं तो पीआर के लिए आपको 5 एक्स्ट्रा CRS स्कोर मिलता है, वो भी एक बेनिफिट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ओंटारियो में स्टडी कंप्लीट करते हैं। ओंटारियो के बाद जो सेकेंड सबसे बड़ा प्रोविंस है कनाडा का वो है BC। BC ने भी इसी सिस्टम को देखते हुए, क्योंकि इस समय स्टूडेंट्स पे कैपिंग किया गया है और लिमिटेड स्टूडेंट आपके प्रोविंस में आ रहे हैं और सभी प्रोविंस चाहते हैं कि जो टैलेंट है उसको अपने प्रोविंस में रिटेन किया जाए, इसीलिए ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है उनके लिए अलग अलग प्रोग्राम आ रहे हैं PNP में कि हम उन लोगों को अपने प्रोविंस में रिटेन करें। इसको देखते हुए ब्रिटिश कोलंबिया ने भी 2 प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। पहला है इंटरनेशनल ग्रेजुएट कैटेगरी, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन BC में कंप्लीट किया है और जॉब ऑफर लेटर उनके पास है BC में तो वो अप्लाई कर सकते हैं। BC में ही जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए और BC में ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा आ जाता है इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कैटेगरी, उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने BC इंस्टीट्यूशन में या तो नेचुरल अप्लाइड या हेल्थ साइंस में मास्टर या PhD किया है, फिर उनके पास जॉब ऑफर लेटर नहीं भी है तो भी चल जाएगा, मगर इन्हीं स्ट्रीम में आपके पास मास्टर या PhD होना चाहिए। BC के ये 2 प्रोग्राम हैं, इसके साथ आप अपनी फाइल PR के लिए BC में लगा सकते हैं।
क्यूबेक की बात करते हैं, क्यूबेक एक ऐसा प्रोविंस है कनाडा में जहां पर फ्रेंच को बहुत प्रेफरेंस दिया जाता है। उन स्टूडेंट्स के लिए क्यूबेक सबसे बढ़िया प्रोविंस रहेगा जिनको फ्रेंच में थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो आने वाले समय में फ्रेंच का कोई भी प्रोफिशिएंसी टेस्ट देकर एक अच्छा स्कोर स्क्योर कर सकते हैं। वो फ्रेंच को लेकर क्यूबेक के साथ अपना पीआर का सफ़र पूरा कर सकते हैं। जिनको फ्रेंच में प्रॉब्लम है वो क्यूबेक में मत जाएं। अनदर बहुत सारे प्रोविंस है जहां पर आप विदाउट फ्रेंच भी पीआर बहुत इजीली ले सकते हैं। उसके बाद फोर्थ जो प्रोविंस आता है वो है अल्बर्टा। अल्बर्टा की मैं अगर बात करता हूं, लास्ट 2-3 साल में बहुत बड़े नंबर्स में स्टूडेंट ने अल्बर्टा में एडमिशन लिया। उसमें अगर मैं ओंटारियो की बात करूँ, ब्रिटिश कोलंबिया की बात करूँ, जहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट जाते थे, मगर अभी वो स्टूडेंट्स जा रहे हैं अल्बर्टा की तरफ, खासकर कैलगरी, एडमिंटन, इस तरह के सिटीज़ में काफ़ी बड़े नंबर्स में बच्चों ने एडमिशन लिया। अगर हम अल्बर्टा की बात करते हैं तो जहाँ पर दो प्रोग्राम हैं स्टूडेंट्स के लिए, अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम, ये उन ग्रेजुएट्स के लिए है जिनके पास अल्बर्टा में एलिजिबल ऑक्यूपेशन में जॉब ऑफर लेटर है, यानी कि जो उनको रिक्वायरमेंट है, जिसको हम बार बार बोलते हैं कि शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट को चेक करिए। अगर आपके पास किसी भी प्रोविंस की शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में से जो भी कोई वहाँ पर ऑक्यूपेशन है उसके साथ मैच करता हुआ जॉब ऑफर लेटर है, तो आपको पीएनपी मिलना बहुत आसान है, और अल्बर्टा में भी सेम है। और दूसरा प्रोग्राम है इंटरनेशनल ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर इमिग्रेशन स्ट्रीम, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने वहाँ पर पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया है और वहाँ पर कोई ना कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे वो स्टार्टअप है चाहे वो बिजनेस है। अगर आप अल्बर्टा से वो स्टार्ट करते हैं, अगर आप वहाँ पर थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप इस स्ट्रीम के साथ अल्बर्टा में अपना जो पीआर का सफ़र है वो इजिली कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद बात करेंगे मैनिटोबा के बारे में। मैनिटोबा भी एक बहुत अच्छा प्रोविंस है और लास्ट 1-2 साल से काफ़ी बड़े नंबर्स में स्टूडेंट्स ने मैनिटोबा में एडमिशंस लिया है। इनका जो मेन सिटी है विनीपेग। अगर मैं जहाँ के प्रोग्राम की बात करता हूँ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बेटर हैं, वो है इंटरनेशनल एजुकेशन स्ट्रीम, उन ग्रेजुएट्स के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने वहाँ पर मैनिटोबा में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और उसके बाद स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया को वो पूरा करते हैं जो मैनिटोबा का है। तो मैनिटोबा में भी आप उसी क्राइटेरिया के साथ जा सकते हो जो उनका शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट है और जो स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया है मैनिटोबा का। अगर आप उन कंडीशंस को कंप्लीट करते हैं तो मैनिटोबा आपको बहुत अच्छा एक विकल्प दे सकता है। उसके बाद आ जाता है ग्रेजुएट इंटर्नशिप पाथवे। ये उन ग्रेजुएट्स के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास इंटर्नशिप का ऑप्शन है, जिन्होंने मास्टर्स या पीएचडी मैनिटोबा में कंप्लीट किया हुआ है। तो ये दो प्रोग्राम आपको मैनिटोबा में मिलेंगे। इसके बाद जो सिक्स्थ जो बड़ा प्रोविंस है वो है सस्कैचवन। सस्कैचवन में आपको दो प्रोग्राम मिल जाएंगे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए सबसे बेटर हैं। इंटरनेशनल ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर कैटेगरी जे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सस्कैचवन में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। जैसे हमने अल्बर्टा में देखा था, कुछ प्रोविंस अभी चाहते हैं कि आप सिर्फ जॉब सीकर ना बने, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें, आप स्टार्टअप स्टार्ट करें, कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें। क्या ऐसे फील्ड हैं जहाँ, कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ पर आप हेल्प कर सकते हो अपना बिजनेस स्टार्ट कर? तो ये दो प्रोविंस आपको ऐसे भी ऑप्शन देते हैं जहाँ पर आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप इस एरिया में आकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मगर अगर जो रिक्वायरमेंट इन प्रोविंस की है आप उसी एरिया में करेंगे तो आपको और भी बेटर इसमें रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद स्टूडेंट सब कैटेगरी आ जाती है, आपको सस्कैचवन में मिलती है, जो उन रीसेंट स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने सस्कैचवन में अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और उनके पास सस्कैचवन का ही कोई जॉब ऑफर लेटर है। तो जे अगर आप कंडीशंस पूरी करते हैं तो आपके पास आज के समय में ऐसी कंडीशन है कि जो स्टूडेंट्स किसी भी प्रोविंस में जा रहा है, अगर वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा है, अगर वो मास्टर डिग्री कंप्लीट कर रहा है, पीएचडी कंप्लीट कर रहा है और उसके बाद उसको जॉब ऑफर लेटर अपने ही स्ट्रीम में मिल जाता है और वो आपका जो जॉब ऑफर लेटर है वो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट के साथ मैच करता है उस प्रोविंस में, तो आप मानकर चलिए कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट को पूरा करने की जरूरत नहीं, उससे पहले ही आप अपनी पीआर की फाइल लगा सकते हैं। जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी में वेट करना चाहते हैं उनके लिए कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास एक ऑप्शन हो सकती है। कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए है, वो सभी के लिए, आप किसी भी प्रोविंस में हो तो वो, अगर आप कनाडा में एक्सपीरियंस लेते हो 1 ईयर का, फिर चाहे आप एज ए स्टूडेंट आए हो कनाडा में, फिर चाहे आप एज ए फॉरनर वर्कर आए हो,
अगर आपके पास कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में एक्सपीरियंस है तो आप अपनी फाइल कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में लगा सकते हैं, तो इनका ड्रॉ अलग से निकलता है, मगर इनका जो स्कोर जाता है वो थोड़ा सा हायर लेवल पे जाता है, 500 प्लस ही रहता है, क्योंकि जहाँ पर मैक्सिमम वो लोग होते हैं जिनके पास एडिशनल स्कोर रहता है, चाहे वो वर्क परमिट का हो, चाहे वो कनाडा में स्टडी प्लस वर्क परमिट का हो, तो जहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी फाइल को इम्प्रूव करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अभी एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्या हो सकते हैं, कैसे आप अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं, बहुत वीडियोस मैंने इस टॉपिक पे आपके साथ शेयर किए हैं, मगर मैं अभी भी इस वीडियो में भी थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट कैनेडा में पहुँचे हो, सबसे पहला काम है कि आप फ्रेंच को करिए। फ्रेंच की जो आपका स्कोर है, जितना आप फ्रेंच करते जाएंगे, कितना अच्छा स्कोर लेंगे, उससे आपका जो CRS स्कोर है वो इम्प्रूव होता जाएगा। दूसरा, आपका IELTS या PT में जो स्कोर है, जो भी आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना चाहते हो, आप उसको और इम्प्रूव करिए। जितना स्कोर ऊपर जाएगा उतना ही आपको बेनिफिट आपको वहाँ पर मिलता जाएगा। अभी आपने एक साल का प्रोग्राम किया है, आप एक साल का और प्रोग्राम कर सकते हैं। आपने अभी दो साल का प्रोग्राम किया है, आप एडिशनल वन कोर्स और ले सकते हैं, आप बैचलर डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं, आप मास्टर डिग्री, अगर आपने PG सर्टिफिकेट एक साल का लिया है, आप दूसरा साल अगर लगाना चाहते हैं तो आप एक साल की मास्टर डिग्री ले सकते हैं। तो यानी कि आपने देखना है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें रहती हैं, अलग अलग स्टूडेंट की प्रोफाइल है, हर एक स्टूडेंट का प्रोफाइल अलग होने के कारण उसका एकेडमिक बैकग्राउंड अलग है, उसका IELTS PT में स्कोर अलग है, वो फ्रेंच कर सकता है नहीं कर सकता, उसको जॉब ऑफर लेटर मिला हुआ है या नहीं मिला, उसका जो काम है वो किस टीयर में आता है, टीयर 0, 1, 2, 3, 4, उसका भी अलग से स्कोर मिलता है। अगर आपकी जॉब वैसी है तो आप रिक्वेस्ट कर किसी से अच्छे रैंक की जॉब ले लीजिए, थोड़ा उसमें आपको अगर पॉकेट से टैक्स भी जाएगा तो भी कोई इशू नहीं है। यानी कि बहुत सारे मेथड्स हैं कि कैसे आप अपने CRS स्कोर को इम्प्रूव कर अपने PR के सफ़र को पूरा कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है, जहाँ आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप किसी भी तरह की कोई नॉलेज लेना चाहते हैं, आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, इस समय स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे बड़ा मेरा रिकमेंडेशन रहता है, उनके लिए जो सबसे बड़ा मेन फैक्टर मैं इस समय कहूँगा, जो स्टूडेंट इस समय अपना कोर्स सेलेक्ट कर रहा है, बहुत ध्यान से करें, किस प्रोविंस में आप जाना चाहते हैं, किस एरिया में आप जाना चाहते हैं, किस कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं, वहाँ पर किस चीज़ की डिमांड सबसे ज़्यादा है, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, आप किस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, किसका आपको बेनिफिट हो सकता है, कितना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा, कैसे आप PR लेंगे, ये सारा अभी से प्लान करना है। ऐसा नहीं कि चलो पहले कनाडा पहुँचते हैं, वहाँ पर जाकर कोर्स चेंज कर लेंगे, वहाँ पर जाकर कॉलेज चेंज कर लेंगे। जितना आप अपने आप को प्लान नहीं करेंगे, उतना ही आप PR के रास्ते से हटते जाएंगे। तो मेरी तो जितने भी हमारे साथ स्टूडेंट हैं, जितने भी चाहे वो PR के एप्लीकेंट्स हैं, चाहे वो विजिटर वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा के पे जा रहे हैं, उन्होंने वहाँ पर जाकर शिफ्ट करना है अपना स्टूडेंट वीज़ा में, वर्क परमिट में, चाहे कोई स्पाउस ओपन वर्क परमिट वाला है, उसने कैसे वहाँ पर जाकर लीमिया लेना है, जहाँ अपने स्टूडेंट की फ़ाइल के साथ PR होना है, तो सभी के लिए अलग अलग मेथड है। तो आप अपनी प्रोफाइल नीचे दिए गए नंबर पर शेयर कर सकते हैं, हमारी टीम आपको गाइड करेगी कैसे आप अपना PR का सफ़र पूरा कर सकते हैं, कैसे आप एक स्टूडेंट के तौर पे अपना पोस्ट स्टडी वर्क परमिट या PR के सफ़र को कैसे अलाइन कर सकते हैं। तो उन सभी के लिए आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो सकते हैं। मगर लास्ट में मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक भी आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी को, आपके प्यार के सदका आज हम 35,000 को क्रॉस कर चुके हैं, बहुत प्यार मिल रहा है आपका सभी का, और डेली बेसिस पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारी अच्छी जो हमारी वीडियोस होती हैं वो काफ़ी वायरल हो रही हैं, 10-10, 15-15 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं और काफ़ी उनको शेयर किए जा रहे हैं। आपको मैं इसके लिए स्पेशल थैंक करना चाहूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको कंटिन्यू रखिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर जाइए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।